दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाकपट्टी किस तरह से बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। ये देखिए मैं एक बना के तैयार कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बना के दिखाऊंगा ये कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े पर चाकपट्टी बनानी है और इसकी हमें पट्टी लगानी है। तो चाकपट्टी के दो हिस्से होते हैं, एक ये होता है चौड़ा वाला और एक ये होता है पतला वाला। तो ये जो हिस्सा है हमें 6 सेंटीमीटर काटना है और ये जो पतली पट्टी है ये हमें 3.5 सेंटीमीटर काटनी है। तो चलिए हम पहले पट्टी काट लेते हैं। हम पहले चौड़ी वाली पट्टी काटेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर हम निशान लगा लेते हैं। ये चौड़ी पट्टी है ये 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद हमें पतली वाली पट्टी काटनी है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। ये 3.5 सेंटीमीटर हम काट लेंगे। ये पट्टी हमारी कटकर तैयार हो गई है। ये पतली वाली पट्टी है, चौड़ी वाली पट्टी। तो चलिए हम चाक पट्टी बनाते हैं। इस कपड़े पर हमें चाक पट्टी बनानी है। तो चाक पट्टी बनाने का एक नियम और है कि ये जो पतली वाली पट्टी होती है ये हमेशा पतले वाले कट की तरफ होती है। जो हिस्सा जहां पर कट लगा है अगर वो हिस्सा पतला वाला साइड ये है तो ये पट्टी हमेशा इसी साइड लगेगी, पतली वाली साइड में, और ये चौड़ी वाली पट्टी हमेशा चौड़े वाले साइड पर होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कट है, ये हो गया पतला वाला हिस्सा, तो ये पट्टी हमें पतली वाली इसी साइड जोड़नी है और ये चौड़ी वाली पट्टी जो है हमें चौड़े वाले साइड में जोड़नी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इस कट से हम कम से कम 1 सेंटीमीटर से नीचे लेंगे। अब ये पट्टी जोड़ेंगे हम पतली वाली। इसकी जो दूरी है पट्टी जोड़ने की वो होनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का हम गैप लेंगे और ये जो सिलाई है अगर हम इस साइड में सिलाई लगा रहे हैं तो वो एकदम इसके बराबर होनी चाहिए। ये जो सिलाई है इसके एकदम बराबर में लगानी है। हम इसमें कट लगा लेंगे। ये जो सिलाई है इस सिलाई से हल्का सा अंदर की तरफ ताकि ये सिलाई ना कटे। अब हम इस पट्टी को नाखून मार लेंगे ताकि ये आसानी से बैठ जाए। अब दोनों पट्टी को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। इस पट्टी को हमें 1 सेंटीमीटर ही फोल्ड करना है। जो कट है कटे हुए हिस्से को हम एक साइड निकाल देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा है हम इस कट से इसको 1 सेंटीमीटर नीचे काट लेंगे और ये जो है कट इसको हम नाखून मार लेंगे ऐसे और इसके ऊपर ऐसे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देंगे ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले। देखिए
सिलाई लगाने से क्या हो गया कि ये कट जो है ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, बाहर की तरफ ये कच्चा मार्जिन नहीं आएगा। इसको हम नाखून मार लेंगे और ये जो है हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा सीधा, और ये जो सिलाई है इस सिलाई से थोड़ा सा नीचे की तरफ तिरछा लगा लेंगे। इस पट्टी को हमें 2 सेंटीमीटर फोल्ड करना है। ये देखिए इस पट्टी को हम 2 सेंटीमीटर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाना चालू करेंगे। और ये सिलाई हमें कहाँ तक लगानी है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो सिलाई है, इस सिलाई से सिर्फ एक टाका नीचे, बस इसके एक टाका नीचे ही सिलाई लगानी है बस। अब हम इसको दोनों पट्टी को बराबर कर लेंगे, सीधी सिलाई यहाँ से आ गई। अब ये जो हमें यहाँ पर ताबीज बनानी है, ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर बनाने के लिए हम इसको 3.5 सेंटीमीटर काटेंगे ताकि हमारी 2.5 सेंटीमीटर तैयार आ जाए। हमने 3.5 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया, अब हम इसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है फोल्ड करने पर हमें ध्यान देना है कि हमें ये कैसे फोल्ड करना है ताकि हमारा जो चाक पट्टी का क्रॉस एरिया है वो आसानी से बैठ जाए। तो इस पट्टी को हम देखिए ऐसे पकड़ेंगे सीधे, और इस पट्टी को एक बार ऐसे पूरा बराबरी में फोल्ड करेंगे। पूरा बराबर फोल्ड करने के बाद फिर इसको दोबारा इधर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारा ये बैठ गया आराम से ऐसे। अब अगर आप बैठाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। हम यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम इसको देखिए, ये हमारी चाक पट्टी बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया। इसको हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए हमारी चाक पट्टी बनकर तैयार हो गई। इस तरीके से आप चाक पट्टी बनाएंगे तो आपको चाक पट्टी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ये जो पट्टी है, ये चौड़ी पट्टी हमेशा चौड़े वाले हिस्से की तरफ लगती है, और ये जो पतली पट्टी होती है ये हमेशा पतले हिस्से की तरफ आती है। इस पट्टी को हमें 6 सेंटीमीटर काटना है, और ये जो पतली पट्टी है हमें 3.5 सेंटीमीटर काटनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको अब चाक पट्टी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। ओके, थैंक यू।